आज हम पढ़ रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो अगर मैं बात करूं बच्चों 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स क्या बोला मैंने बच्चों 95% जो हमारा अर्थ क्रस्ट का है वो सिलिका silica और सिलिकेट से बना हुआ है बात क्लियर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कॉमनली सिलिका भी कहा जाता है बच्चों बात क्लियर है एंड फाउंड इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म और उसको बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म के अंदर देखा गया है पाया गया है पहला हो गया बच्चों क्वार्ट्स हो गया और क्रिस्टोबेलाइट हो गया ट्रिमिडाइट हो गया ये सब क्या है बच्चों बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म है किसकी ये हमारी सिलिका की बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स हैं बात क्लियर है बच्चों यहां तक आर सम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका कौन-कौन सी क्वार्ट्स क्रिस्टोबेलाइट और राइट ये सब क्या है ये कुछ मेरी क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की बात क्लियर है एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेंपरेचर और इनको अगर सुटेबल टेंपरेचर दे दें तो वो एक दूसरे के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है बच्चों बात क्लियर है अगर मैं बात करूं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 की किसकी बच्चों SiO2 की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों तो वो कुछ ऐसी होगी बात कर रहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल मैनर टू फोर ऑक्सीजन एटम क्या बोला मैंने बच्चों जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है हमारा उसके अंदर क्या बोल रहा, हूं? मैं? उसके अंदर मैं बोल रहा हूं, वो एक थ्री है का, बात बच्चों एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अदर सिलिकॉन एटम बात क्लियर है बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों यहां पर ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अदर टेट्राहाइड्रॉन जो सिलिकॉन्स का सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हर कॉर्नर होता है वो अलग टेट्राहेड्रोन से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है बात क्लियर है बच्चों यहां तक सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म बॉन्ड बिकॉजी क्या बोला मैंने बच्चों सिलिका जो होता है नॉर्मल फॉर्म में वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है क्यों क्योंकि उस अंदर, का जो होती है, वो बहुत ज्यादा होती है बात क्लियर है बच्चों इट कैन नॉट अलाउ द अटैक बाय हेलोजन उनके ऊपर हेलोजन का अटैक नहीं होता है डाईहाइड्रोजन का अटैक नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द एसिड का भी उनके ऊपर अटैक नहीं होता है बात क्लियर है However, it is attacked by HF and NaOH. But बट अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन एन ए के साथ करा दें या एच के साथ करा दें तो वहां पर इनके साथ रिएक्शन हो जाती है अगर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन एन ए के साथ कराई है तो हमें क्या मिला है बच्चों एन ए टू एस आई ओ थ्री प्लस एच टू ओ ये फॉर्म होता हुआ हो दिखता है अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन एन ए के साथ कराते हैं तो और अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम अगर एच के साथ कराते हैं तो हमें ऐसा ही एफ फोर और एच टू बाहर निकलता हुआ दिखता है बात क्लियर है बच्चों इन दोनों के साथ हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है बट बाकी के साथ एसिड के साथ और इनके सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड बात क्लियर है अगर मैं बात करूँ क्वार्ट्स की बच्चों तो क्वार्ट्स इज एक्सटेंसिवली यूज एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मेटेरियल किसकी तरह यूज किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मेटेरियल की तरह यूज किया जाता है इट हैज मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्यूरेट क्लॉक्स जिसको यूज कहां किया जाता है एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स जो होती है उसके अंदर यूज किया जाता है मॉडर्न रेडियो जो होता है उसके अंदर यूज किया जाता है बच्चों टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उसके अंदर भी यूज किया जाता है इसको एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है उनके अंदर भी यूज किया जाता है बच्चों इसको बात क्लियर है बच्चों

अगर जो हमारी सिलिका जेल होती है बच्चों उसको क्रिस्टलोग्राफिक मटेरियल और एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है बात क्लियर है बच्चों यहां तक तो ये सब बात थी हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बच्चों अब मैं बात करता हूं बच्चों सिलिकॉन्स की कि सिलिकॉन्स को कैसे कैसे यूज किया जाता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है तो दे आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर जो सिलिकॉन्स होते हैं वो मेरे सिलिकॉन पॉलीमर्स के ही क्या क्या होते होते हैं एक होते हैं एक ग्रुप बात बात clear है, है 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 है। उसके अंदर होती 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 जो वो पर अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग मेटीरियल की स्टार्टिंग मेटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन आर एलकाइल और एराइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड क्या बोला मैंने बच्चों मैंने ये बोला है बच्चों मैंने ये बोला है कि जो तो अगर मेरे को मुझे सिलिकॉन्स का क्या करना है सिलिकॉन्स का मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल लेने पड़ेंगे या तो एल्काइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड या एराइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड लेने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल आर एन एस आई सी एल फोर माइनस एन ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है जहां पर आर मेरा कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है ये मेरा जनरल फॉमूला है जहां से मुझे पता लग जाएगा बच्चों कितने सी एल और कितने आर मुझे लेने पड़ेंगे बात क्लियर है अगर मैं बात करूं वेन मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिलिकॉन अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा दें सिलिकॉन के साथ करा दें किसके साथ सिलिकॉन के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट एटरेचर ऑफ फाइव सेवन थ्री कैलोविन टेम्परेचर एलेवन टेम्परेचर पर अगर हम मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन सिलिकॉन के साथ करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में कॉपर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन आर फॉर्म्ड बहुत सारे हमें क्लोरोसिलेन फॉर्म होते हुए दिखते हैं जैसे एम ई एस आई सी एल थ्री और एम ई टू एस आई सी एल टू और एम ई थ्री एस आई सी एल और स्मॉल अमाउंट में बचों एम ई फोर एस आई भी फॉर्म होता हुआ दिखता है बात क्लियर है जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं सी एस थ्री सी एल प्लस एस आई की रिएक्शन जब मैंने कराई कॉपर की प्रेजेंस में फाइव सेवन थ्री टेम्परेचर के ऊपर तो मुझे सी आई थ्री का होल ट्वाइस एस आई सी एल टू का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा बात क्लियर है अब अगर मैं बात करूं बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई मिथाइल की किसकी बच्चों डाई मिथाइल की अगर मैं बात करता हूं जिसका फॉर्मूला क्या होता है सी एच थ्री का होल ट्वाइस आइस एस आई सी एल टू क्या है मेरा डाई मिथाइल है और उसका मैं हाइड्रोलाइज करा दूं और उसका बाद में कंडेंसेशन करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे पॉलीमराइजेशन होता हुआ दिखेगा बच्चों और एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा कैसा बच्चों स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा तो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बच्चों

एच एल बाहर निकल गए हैं बात क्लियर है बच्चों समझ में मैंने कैसे फॉर्मेशन किया है नाउ थ्री मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोला मैंने नाउ थ्री मॉलिक्यूल ऑफ डाई मिथाइल डाई डाईहाइड्रोक्सोसिलेन गेट कंडेंस एंड पॉलिमराइज एंड फॉर्म ए स्ट्रेट चीन हाइड्रोकार्बन अब ऐसे ही अगर मैं तीन मॉलिक्यूल ले लेता हूं बच्चों तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे मतलब वहां से निकल जाएगा, कुछ इस तरह आप देख पा रहे हैं और आपस में क्या फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं एक होते दिख रहे हैं बच्चों द चेन लेंथ ऑफ द पॉलिमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग सी एच थ्री का होल्ड एस आई सी एल अगर इसको मैं एड कर दू बच्चों तो वो मेरे लिए, क्या क्या लिए यूज होता है वो मुझे यूज होता है में चेन चेन लेंथ लेंथ की की पॉलीमर जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको एड कर दिया जाता है ब्लॉक द जो की एक एंड को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है बच्चों बात क्लियर है फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन की बात करता हूं मैंने लिए बच्चों एन मॉलिक्यूल सी एच थ्री का होल ट्वाइस एस आई ओ एच टू का होल ट्वाइस ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया बच्चों बात क्लियर है और इसके साथ रिएक्शन कराई बच्चों किसकी ट्राई मिथाइल

वाटर रिपेलिंग इन नेचर सिलिकॉन के पास जो नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं वो क्या बोला मैंने बच्चों उनके पास हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है और हाई डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एंड रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल और रेसिस्टेंस होती है कि वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देते हैं और केमिकल्स भी नहीं होने देते हैं बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक